नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 अक्टूबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अनलॉक 5 की गाइडलाइन का हुआ ऐलान। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अनलॉक 5 की शुरुआत आज से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही सभी स्कूल, कोचिंग भी 15 अक्टूबर से खुलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे पहले सरकार ने 1 सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइन के बाद 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल को आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति भी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से की मुलाकात। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पटना के सीएम आवास पहुंचे थे। के सिंह के साथ हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर और सुशांत के बहनों ओपी सिंह और सुशांत की बहन मीतू भी मौजूद थी। सभी ने मुख्यमंत्री आवास में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। सुशांत के पिता और नीतीश कुमार के बीच सुशांत को लेकर और उसकी यादों के अलावा मामले पर भी चर्चा की गई। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा पुलिस अधिकारी क्वारंटाइन था, तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुंबई सरकार भी लगातार निशाना साध रही थी, इसलिए मैंने सीबीआई जांच का आदेश तुरंत दे दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी होंगे देवेंद्र फडणवीस। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस को भाजपा का प्रभारी बनाए जाने की चर्चा हालांकि पहले से ही चल रही थी, मगर बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक घोषणा जारी कर दी गई। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट की तरफ से जारी फैसले पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया स्वागत। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाह रहा हूं मैं। वहां पर जो मंच बना था उसका मैं संचालन कर रहा था। यह कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। वहां पर उपस्थित जो भी लोग थे उन्हें आवेश में आकर उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था। मोदी के अनुसार मंच पर से आडवाणी जी सहित अन्य नेताओं ने रोकने का काफी प्रयास किया, मगर लोग उन्मादी थे। आपको बता दें, सीबीआई कोर्ट ने बीते दिन लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान को बरी कर दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु के घर से कई सामान हुए गायब। कदमकुआ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित प्रख्यात लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के घर से कई सामान गायब हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान लेने वालों ने रेणु के कई महत्वपूर्ण कृति की मूल प्रति भी उड़ा ली है। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे पदम पराग रेणु के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर कुछ लोगों ने घुसकर मामले को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि उनका घर बंद था, घर का दरवाजा तोड़कर इसे अंजाम दिया गया है। इस दौरान घर में घुसे लोगों ने रेणु की कई कृतियों की मूल प्रति के साथ 7 लाख रुपए की संपत्ति अपने साथ उड़ा ली। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,82,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते पिछले 24 घंटे में 1,435 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,82,906 पर पहुंच गई। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 43, अरवल में 9, औरंगाबाद में 16, बांका में 42, बेगूसराय में 21, भागलपुर में 44, भोजपुर में 5, बक्सर में 20, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 35, गया में 67, गोपालगंज में 43, जमुई में 42, जहानाबाद में 17, कैमूर में 13, कटिहार 45, खगड़िया में 3, किशनगंज में 39, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 67, मधुबनी में 52, मुंगेर में 32, मुजफ्फरपुर में 62, नालंदा में 57, रोहतास में 19, नवादा में 9, पटना में 225, पूर्णिया में 118, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 23, सारण में 19, शेखपुरा में 21, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 17, सुपौल में 36, वैशाली में 33, पश्चिम चंपारण में 33। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,69,625 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 904 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग के पहले दिन की मीटिंग हुई संपन्न। बिहार विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के दौरे पर बुधवार को आयोग की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों की राय भी जानी। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपना सुझाव दिया। जदयू की तरफ से बड़े नेता अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग बुजुर्गों से खुद 3 दिन पहले फॉर्म भरवाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग वोट दे सके। रालोसपा की तरफ से कहा गया है कि जो भी कमजोर वर्ग के वोटर है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही राजद की तरफ से नेता मनोज झा और चितरंजन भवन ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं उन पर नजर रखी जाए, क्योंकि कई अफसरों का नाता सीधे जदयू के बड़े नेताओं से है, ऐसे में उन पर नजर बनाना जरूरी है।
दोबारा बांध टूटने से गोपालगंज में आई बाढ़। गोपालगंज में दोबारा आई बाढ़ से प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सारण मुख्य तटबंध के टूटने के कारण बैकुंठपुर, बरौली और प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कल के मुख्य सड़क साथ साथ पानी के तेज बहाव से टूट गए हैं। सड़क के टूटने और पानी के तेज बहाव से जहां आवागमन ठप हो गया है, वहीं बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में प्रवेश कर गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर, बरौली प्रखंड में हुई है। इस प्रखंड के कई पंचायत पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ का पानी पूरे इलाके में फैल चुका है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामचतुर मलिक की। पंडित रामचतुर मलिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। पंडित रामचरित मलिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के धूप धमाल शैली के प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने धूपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है और देश का नाम भी रोशन किया है। मलिक जी ख्याली, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे। रामचरित मलिक दरभंगा महाराज के दरबार में भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। यह माना जाता है कि पंडित रामचरित्र मलिक के पूर्वज राजस्थान से बिहार आ गए थे और बिहार से दरभंगा घराने की नींव रखी थी। रामचरित्र मलिक ने अपने चाचा से, तेजपाल मलिक से और बाद में सितारा वादक रमेश्वर पाठक से अपनी प्रारंभिक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। इंटर पास करने पर 25 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 देगी नीतीश सरकार। सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत चुनाव में 7 निश्चय पार्ट 2 का लक्ष्य रखकर चलने वाली नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत इंटरमीडिएट और स्नातक पास करने वाले छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि को बढ़ाने का ऐलान किया गया। वहीं नीतीश कुमार की वापसी के बाद सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 की सहायता राशि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाएगी। सिपाही लिखित परीक्षा को किया गया स्थगित। सिपाही लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें सिपाही के 1722 और होमगार्ड के 551 पदों के लिए 18 तारीख को लिखित परीक्षा होने वाली थी, जिसको केंद्रीय चयन परिषद ने स्थगित कर दिया। केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से कोई नई तारीख जारी नहीं की गई है। ऐसे में सिपाही परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अगले आदेश तक डेट का इंतजार करना होगा। बिहार के 7 क्षेत्रीय दलों को चुनाव आयोग ने अलॉट किया चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के लिए सिंबल अलॉट कर दिया है, जिसके तहत 7 छोटे दलों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया है। लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी को त्रिकोण चिन्ह दिया गया है। वहीं लोक चेतना दल को टायर सिंबल दिया गया। भारतीय जनतंत्र संरक्षक विकास पार्टी को स्टूल चिन्ह दिया गया है। हिंदू समाज पार्टी को मोर्टार चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय सब लोक पार्टी को ट्रम्पेट अलॉट किया गया है। आम अधिकार मोर्चा को चपाती रोलर और भारतीय लोक चेतना पार्टी को साइकिल पंप अलॉट किया गया है। चुनाव आयोग के सामने राजद ने रखी बड़ी मांग। बिहार दौरे पर आए निर्वाचन आयोग की टीम के सामने राष्ट्रीय जनता दल ने इसी दौरान बीते दिन एक बड़ी मांग रख दी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में राजद की तरफ से 19 सूत्री मांग पत्र चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग को मतदाताओं का बीमा कराने, इसके अलावा मतदान के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित हो जाए तो सरकार उसके इलाज की व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही मतदान पर्ची के साथ साथ सभी मतदाताओं को मास्क भी वितरित कराया जाए। साथ ही इस मांग में दलित महादलित को लेकर भी राजद की तरफ से बड़े मांग रखे गए हैं। राजद ने कहा है कि SC/ST और कमजोर वर्ग के मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित किया जाए। अगर इसकी संख्या कम हो भी तो इसके लिए सरकार अलग से मैदान केंद्र बनवाए। BSEB ने रिजल्ट में सुधार के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को दिया अंतिम मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मात्र इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2019, मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा 2019 और मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की मार्कशीट और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार करने के लिए एक और मौका दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के मार्कशीट और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में त्रुटि है वो 14 अक्टूबर तक सुधार करवा सकते हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए यह काम किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2020 को प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और लिस्ट विद्यालय के प्रधान को पहले ही भेजा जा चुका है। दरभंगा में हनुमान नगर प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा जिले में के हनुमान नगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस चुका है। वहीं घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ लोग पलायन भी कर रहे हैं। खेतों में पानी भर जाने से फसलें भी बर्बाद हो गई है। हनुमान नगर प्रखंड को भरौल, महनौली समेत कई गांव में बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बाढ़ प्रभावितों ने कहा है कि उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया गया। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनका हाल जानने के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को मिलने वाली 6,000 की राशि भी उन तक नहीं पहुंची है। लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। आपको बता दें इलाके में 2 महीने पहले ही बाढ़ आई थी। घर में पानी घुस जाने के कारण लोगों ने उच्च स्थान पर शरण ले रखी थी।
मुंबई में एक्टर अक्षत के मामले पर एडीआर हुआ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नवोदित अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की जान गंवाने को लेकर मुंबई के पुलिस स्टेशन में एडीआर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अक्षत के दोस्त एक युवती, सोसाइटी प्रभारी चाचा विक्रांत किशोर समेत पांच के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। इस बारे में मुंबई के पुलिस पदाधिकारी ने बुधवार को अक्षत के पिता विजेंद्र किशोर को पूरी जानकारी दे दी है। दोनों के बीच करीब 12 मिनट तक मामले की लेकर बातचीत हुई है। किशोर ने कई बिंदुओं पर अंबोली पुलिस का ध्यान आकृष्ट करवाया है। वहीं साथ ही कई युवकों से पूछताछ करने का भी आग्रह किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब का मिला सुनहरा मौका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। बैंक आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर भी एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसके मुताबिक रिस्क स्पेशलिटी डाटा ट्रेनर, डिप्टी मैनेजर, डाटा ट्रांसलेटर मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर डेटा साइंटिस्ट सहित कुल 38 पदों पर नौकरी निकाली गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में आधिकारिक पोर्टल bank.sbi/web पर जाकर लॉगिन करना होगा, जहां पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। सहरसा, कटिहार, जयनगर और भभुआ के लिए अब 31 अक्टूबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें। ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए जरूरी सूचना। पटना से चल रहे 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सहरसा, कटिहार, जयनगर और भभुआ के लिए पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल से स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जा रहा है। पहले पूर्व मध्य रेलवे इन ट्रेनों का परिचालन 30 सितंबर तक के लिए तय किया था। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार अगले 1 महीने के लिए इन ट्रेनों के परिचालन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ 31 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें सहरसा पटना सहरसा स्पेशल, कटिहार पटना कटिहार स्पेशल, पटना भभुआ रोड पटना स्पेशल, राजेंद्र नगर जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल, राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर स्पेशल का नाम शामिल है। उत्पाद विभाग के आयुक्त को चुनाव आयोग ने किया बाहर। बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा में अधूरी तैयारी उत्पाद विभाग के आयुक्त पर भारी पड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने समीक्षा के दौरान चुनाव की तैयारियों में लापरवाही उन पर ही भारी पड़ गई और उन्हें पद से हटा दिया गया। बुधवार की शाम यह कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि समीक्षा में चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की तैयारी संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके कारण यह कदम उठाया गया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर HR श्रीनिवास ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि बिहार कैडर के 2008 बैच के IAS अधिकारी के उत्पाद आयुक्त के पद पर तैनात थे। चुनाव की तैयारियों को लेकर जब समीक्षा की गई तो काम संतोषजनक नहीं था। भाकपा माले अकेले उतरेगी विधानसभा के चुनावी मैदान में। भाकपा माले अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। उसके बाद बीते दिन अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर भाकपा माले ने साफ कर दिया है कि इस बार अकेले मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य के कुल मिलाकर 30 विधानसभा क्षेत्रों के नाम समेत अपनी सीटों की पहली सूची जारी कर दी गई है। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल के बीच राज्य स्तर पर कई राउंड की बातचीत चली। उन्होंने बताया कि हमने अपनी सीटों की संख्या घटाकर 30 कर ली थी। दिल्ली में मीटिंग के बाद पटना पहुंचे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। बिहार में NDA में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को सुलझाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। बुधवार को दिन भर दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक हुई, साथ ही साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता रात को पटना पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर बैठक के बाद बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पटना वापस लौटा है। आज NDA में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा नेता अपने सहयोगी दल जदयू नेताओं के साथ बातचीत करेगी। इसके बाद सीटों का ऐलान होगा। इनकम टैक्स पेयर को मिली बड़ी राहत। इनकम टैक्स पेयर को बीते दिन सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया है। देश भर में लगातार बढ़ते COVID-19 के माहौल के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को यह बड़ी राहत दी है। अब इसके बाद आयकर जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। विभाग ने ट्वीट में लिखा है कि COVID-19 की वजह से बड़े लोगों की परेशानी बढ़ गई थी और इसको ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। शेखर सुमन ने अक्षत मामले में मीडिया पर उठाए सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद बिहारी अभिनेता अक्षत उत्कर्ष ने कथित तौर पर मुंबई में अपने आवास पर अपनी जान ले ली है। हालांकि घर वालों का आरोप है कि अक्षत की जान ली गई है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसी बीच सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाने वाले शेखर सुमन ने अक्षत की कवरेज को लेकर न्यूज चैनल पर तंज कसा है और इस केस में कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, लिहाजा इसको लेकर हंगामा नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक और बिहारी अभिनेता अक्षत उत्कर्ष ने डिप्रेशन की वजह से जान ले ली है, जिसके बाद फैमिली को लगता है कि इसकी जान ली गई है। मुझे संदेह है कि समाचार चैनल इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि वो एक कलाकार था और उसकी कोई खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए इसमें कोई भी सनसनीखेज नहीं है। व्हाट्सएप पर ब्लॉक होने पर भी कर सकते हैं मैसेज। अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको आज एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप उस यूजर को मैसेज कर सकेंगे जिसने आपको ब्लॉक किया है। व्हाट्सएप पर ब्लॉक करने वाले उपभोक्ताओं को मैसेज भेजने के लिए आपको अपने किसी
कॉमन दोस्त या परिवार के मेंबर की मदद लेनी होगी। आपको अपने कॉमन मित्र अथवा परिवार के मेंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहना होगा, जिसमें वो स्वयं के साथ साथ आपको और उस उपभोक्ता को ऐड करेगा जिसने आपको ब्लॉक किया है, जिसके बाद आपका कॉमन मित्र या परिवार का मेंबर ग्रुप को छोड़ देगा। इसके बाद इस ग्रुप में आप और वो उपभोक्ता रह जाएंगे जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप इस ग्रुप में संदेश भेजकर ब्लॉक करने वाले मित्र अथवा परिवार के मेंबर से बात कर सकते हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार मिली दूसरी जीत। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई में बीते दिन खेला गया। इस मैच में कोलकाता को जीत मिली है। केकेआर ने राजस्थान को 37 रनों से हरा दिया है। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की यह पहली हार है, जबकि कोलकाता की टीम की यह लगातार दूसरी जीत है। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन पर ही आउट हो गई, जिसके बाद कोलकाता को इस मैच में 37 रनों की जीत मिली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनोरंजन सिंह, सनी सिंह, अनन्या यादव, ऑफिसर उजाला चौधरी, अनन्या कुमारी, राकेश झा, बबीता यादव, चांद बाबू, सुशीला कुमारी, सुप्रिया कुमारी, नेहा सिंह, उजाला चौधरी, रविंद्र पासवान, अनिल कुमार, चंदन कुमार, शंभू रॉय। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 5 में मिली छूट से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।